Hello children, today we are going to continue reading chapter 4 of your geography book, that is climate. In the previous videos itself I have started teaching you this chapter और आज हम यहाँ पे ये जो chapter है इसको further पढ़ेंगे और यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले climatic controls के बारे में. इससे पहले यहाँ पे कुछ questions है find out में जो दिया गया है इसको मैं यहाँ पे discuss करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे आगे तुम्हें पढ़ाऊँगी. तो मैं अभी यहाँ पे कहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो यहाँ तक पेज नंबर 27 से पढ़ रही हूँ तुम्हारे ज्योग्राफी के बुक से. सो नाउ लेट्स बिगिन. फाइंड आउट में तुम्हें वहाँ पे दिखेगा व्हाई द हाउसेस इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो घर होते कहाँ पे राजस्थान में, उन घरों में क्यों उनके फ्लैट रूफ्स होते और साथ में थिक वॉल्स होते करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है. तो याद रखो थिक वॉल्स इसलिए होता है ताकि जो बाहर का जो गर्माहट है वो अंदर ना आए घर के अंदर, और फ्लैट रूफ्स इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें पता है राजस्थान के एरिया में वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो ये जो कम बारिश है उसको भी लोग वहाँ पे यूटिलाइज करना चाहते हैं. इसलिए वो क्या करते हैं, उस बारिश को स्टोर करने के लिए वो अपने घरों के छत फ्लैट बनाते हैं, वहाँ पे वो पाइप लगाते हैं, उस पाइप को वो नीचे जो अपने घर में वहाँ पे वो टैंक लगाते हैं और उस टैंक के साथ वो कनेक्ट करते हैं. तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोग ऐसा करते हैं. तो याद रखो राजस्थान में घर होते उनके छत क्यों फ्लैट होते करके अगर कभी पूछा जाए तो याद रखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए उनके घरों के छत फ्लैट होते हैं, वहाँ पे टैंक्स लगे होते हैं, वहाँ पे नीचे वो पानी डिपोजिट करते हैं यानी कि इकट्ठा करते कलेक्ट करते. और आगे अगर कभी पूछा जाए कि क्यों उनके वॉल्स थिक होते हैं तो याद रखना है थिक वॉल्स इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो, तो याद रखो बाहर का जो गर्मी है वो घर के अंदर ना आए. तो अब आगे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज इट दैट द हाउसेस इन द तराई रीजन इन गोवा एंड मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ्स. तो याद रखो इन एरियाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, तो यहाँ पे घरों के जो छत होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं, स्लोपिंग वाले स्लोप वाले छत होते हैं यानी स्लोपिंग रूम्स उनके होते हैं, जैसे कैसे वाले मिलते तो स्लोपिंग रूम्स उनके होते ताकि पानी जो है वो क्या हो जाए आसानी से वो बह जाए. तो इसलिए घर के छत क्या होते हैं वहाँ पे स्लोपिंग रूम्स हमें देखने को मिलता है. कहाँ पे, तो याद रखो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तराई रीजन की गोवा मैंगलोर की. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई हाउसेस इन आसाम आर बिल्ट ऑन स्टील्स. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्यों जो घर होते असम में वो स्टील्स के ऊपर बने होते हैं. स्टील्स कहने पर यहाँ पे खंबा हम समझते थे, पोल्स हम समझते थे, तो पोल्स के ऊपर घर क्यों होते हैं. तो यहाँ पे घर के अंदर ताकि बाढ़ का जो पानी है वो घुस ना जाए इसको ध्यान में रखते हुए घर वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो स्टील्स के ऊपर घर बनाते हैं. कहाँ पे, असम पे. तो अब हम ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया फाइंड आउट के सेक्शन का, तो हम आगे पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल. सो नाउ लेट्स बिगिन. There are six major controls of the climate of any place. तो याद रखो छह चीज़ें होती है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है क्लाइमेट का कोई भी एरिया का. तो कोई भी एरिया का क्लाइमेट कौन से छह चीज़ों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये जो छह चीज़ें होंगे इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा दे आर लैटिट्यूड. तो ये जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़े इसको मैं एक्सप्लेन करती भी जाऊँगी. तो यहाँ पे याद रखो लैटिट्यूड कहने पर हम यहाँ पे बात करें इमेजिनरी होराइजोंटल लाइंस की जो हमें मैप के ऊपर देखने को मिल जाता है. तो हॉराइजॉन्टल लाइंस कैसे होंगे, तो मान लो एक साइड से दूसरे साइड, मान लो लेफ्ट हैंड ये मेरा इधर साइड और यहाँ पे राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड के साइड से राइट हैंड के साइड तक जो लाइंस आ रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कैसे लाइंस, तो हॉराइजॉन्टल लाइंस. तो ये लैटिट्यूड्स क्या है, तो इमेजिनरी हॉराइजॉन्टल लाइंस से जो हमें मैप के ऊपर देखने को मिलता है, इससे आसानी होता है हमें पढ़ते हुए इस बारे में तो अर्थ के बारे में. तो सबसे पहला होगा लैटिट्यूड, उसके बाद है एटीट्यूड. एटीट्यूड कहने पर यहाँ पे याद रखो हम हाइट अबव सी लेवल की बात कर रहे हैं, तो कोई एरिया कितने ऊंचाई पे स्थित है. तो यहाँ पे याद रखो एटीट्यूड कहने पर क्या मैंने बताया तुमको हाइट अबव सी लेवल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में तुम्हें दिखेगा प्रेशर एंड विंड सिस्टम. तो प्रेशर में यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे हम बात करते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है कोई जगह का, तो हाई टेम्परेचर जब होता है तो मान लो कोई एरिया है, एरिया में टेम्परेचर क्या है हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा. प्रेशर डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जब कोई एरिया का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ का जो हवा है वो गर्म हो जाता है, तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठने पर क्योंकि याद रखो गर्म हवा हमेशा हल्का होता है इसलिए वो ऊपर की ओर उठेगा तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है. याद रखो हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर, और अगर कभी मैंने बोला लो टेम्परेचर तो उसका मतलब है हाई प्रेशर. ये चीज़ तुम्हें समझना होगा. तो यहाँ पे हम बात करें बोल रहा है बुक प्रेशर एंड विंड सिस्टम. विंड सिस्टम कहने पर कौन सी हवाएं वहाँ पे बह रहे हैं, सरफेस विंड्स की बात कर सकते हैं, सी ब्रीज लैंड ब्रीज की हम बात कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रेड विंड्स की बात कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे जो साउथ ईस्ट मानसून विंड्स है उनकी हम बात कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में बात कर सकते हैं जो जेट स्ट्रीम्स करके आगे मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ. तो
तो यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि यहाँ पे 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, यानी क्लाइमेट को, कोई जगह के क्लाइमेट को 6 चीजें कंट्रोल करता है। तो उनमें से हमने अभी कौन कौन सी चीजें का नाम पढ़ा, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है मैंने बोला, तो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको, इसकी मदद से हम अर्थ के बारे में पढ़ते वक्त हमें आसानी होती है। ऐसे करके मैंने बोला अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ सी लेवल। थर्ड में मैंने यहाँ पे बात किया प्रेशर के बारे में और यहाँ पे विंड सिस्टम के बारे में। उसके बाद बोला है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी कहने पर याद रखो आप कोई एरिया कितना दूर है सी से, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर कोई एरिया सी के नज़दीक होगा तो ऐसे में वहाँ पे हमें मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पे जो टेम्परेचर वगैरह होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा गिरावट या फिर उतना ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि टेम्परेचर उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट वहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई एरिया सी से दूर है तो ऐसे में वहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी कि जो सीजन सब बदलेंगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस वगैरह बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। आगे यहाँ पे बोला गया उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बाद वहाँ पे ब्रैकेट में कॉन्टिनेंटलिटी लिखा गया है। कॉन्टिनेंटलिटी मतलब वही है, यानी कि याद रखो कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब है कि कोई एरिया जब दूर होता है किससे, तो समुंदर से यानी सी से दूर होता है, तो ऐसे में क्या होगा वहाँ पे हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और अगर कोई एरिया सी के नज़दीक होगा तो वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ओशन करेंट्स के बारे में बताया गया। ओशन करेंट्स कहने पर हम यहाँ पे ओशन में जो क्या वहाँ पे वार्म करेंट्स है, वार्म करेंट्स मतलब जो पानी है क्या वो गर्म है या वो ठंडा है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और आगे बोला गया रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स कहने पर कोई एरिया में क्या वहाँ पे प्लेन एरिया है, क्या वहाँ पे माउंटेन्स है, क्या वहाँ पे प्लेट्यूज है, ये सब चीज़ हम रिलीफ के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें के बारे में हम जिक्र कर रहे होते हैं। तो याद रखना है क्या क्या 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं, 6 मेजर कंट्रोल्स हैं। तो याद रखना है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स और आखिरी में रिलीफ फीचर्स। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, तो जो अर्थ का जो कर्व है, जो शेप है, वो कर्वेचर कर्व की वजह से बोला गया है। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वैरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो याद रखो जो कर्व है अर्थ का, अब यहाँ पे मैं अर्थ बनाने की कोशिश करूंगी, अब उतना सा डायग्राम तो मैं नहीं बना पाऊंगी, फिर भी कोशिश कर लेते हैं, ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या है ये अर्थ है। तो ये क्या है, ये अर्थ है। तो यहाँ पे जो अर्थ है उसका कर्वेचर तुम्हें दिख रहा है, ये जो मीडियम वाला लाइन लाइन बना देते इसको हम दिखते थे 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। इक्वेटर के लिए ई लिखती हूँ मैं यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा है 0 डिग्री मतलब इक्वेटर। तो ये हुआ कर्वेचर, दिख रहा है कर्व, तो सेमी सर्कल टाइप का दिख रहा है, तो कोई पूरा सर्कल नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना है ये जो शेप है अर्थ का, उसकी वजह से यहाँ पे जो कर्वेचर है उसकी वजह से जब सन से लाइट इसके ऊपर पड़ता है, यानी अर्थ के ऊपर पड़ता है, यानी जो हीट मिलता है अर्थ को, तो अलग अलग मात्रा में हीट और लाइट अर्थ में अलग अलग जगह पे मिलता है, किसकी वजह से, कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से। तो इसकी वजह से आगे तुम्हें देखने को मिलेगा एज अ रिजल्ट, इसकी कारण की वजह से एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो ये हम लोगों ने, यानी तुम लोगों ने पहले से जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर, यहाँ ऊपर लिखे थे नॉर्थ पोल और यहाँ नीचे लिखे थे साउथ पोल, तो जब हम पोल्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऐसे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, ऐसे में टेम्परेचर घटता जाएगा। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह, जो कर्व है अर्थ का उसकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो क्या मैंने बोला, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, तो ये जो कर्व है अर्थ का उसकी वजह से द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, तो कितना मात्रा में सोलर एनर्जी रिसीव कर रहा है कोई जगह, इसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। इसी वजह से इक्वेटर से जितना ऊपर की ओर बढ़ेंगे या इक्वेटर से जितना नीचे की ओर बढ़ेंगे उतना ही हमें तापमान में क्या गिरावट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आगे बोला गया है एस वन गोज फ्रॉम, तो ये तुमने समझ लिया लैटिट्यूड की बात, तो ये लैटिट्यूड, ये जो इक्वेटर है ये भी तो एक लैटिट्यूड ही है, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। जो इक्वेटर जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर में बांटता है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये नीचे वाला हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो किसने अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में बांटा, तो याद रखो यहाँ पे इक्वेटर ने बांटा है। कौन कौन से हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अभी आगे तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे एस वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड। सो जैसे कोई जाएगा नीचे के एरिया से ऊपर के एरिया की ओर, यानी हायर एलिवेशन की ओर, यानी कि यहाँ पे याद रखो हाइट अबव सी लेवल मतलब एल्टीट्यूड मैंने तुम्हें समझाया था। तो जितना एलिवेटेड एरिया मतलब उठा हुआ एरिया, जितना हाई एरिया की ओर तुम जाओगे, कोई इंसान जाएगा, द टेम्परेचर बिकम्स लेस डेंस, सॉरी द एटमोसफियर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा एटमोसफियर क्या होगा, यानी कि जो हवा होगा वो लेस डेंस होगा और टेम्परेचर भी
घटता जाएगा। तो याद रखना है कि एटमोसफियर क्या होगा, लेस डेंस यानी घना, कम घना होगा, जो गैसेस होंगे वो कम घने होंगे। तो यहाँ पे याद रखना है जो एटमोसफियर होगा वो लेस डेंस होगा, और आगे बोला टेम्परेचर भी घटता जाएगा जितना हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। ये तो था लैटिट्यूड की बात, लेकिन जब एल्टीट्यूड की बात करें तो हम ऊपर की ओर जाते हैं। मान लो ऊपर की ओर हम जितना जाएंगे, ऊपर जाएंगे यहाँ से और ऊपर जाएंगे, तो ऐसे में जो हवा होगा, एटमोसफियर होगा, वहाँ पे जो गैसेस होते हैं वो लेस डेंस होता जाएगा, यानी कम घना होता जाएगा, और टेम्परेचर में भी गिरावट हमें देखने को मिलेगा। तो आगे यहाँ पे बोला गया है द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। इसी वजह से हम हिल स्टेशन वगैरह विजिट करने जाते हैं समर्स में, याद रखो ये बात। तो हिल्स इसी वजह से समर्स में भी क्या होते हैं, ठंडे होते हैं प्लेन्स के मुकाबले। तो नेक्स्ट बोला गया द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो याद रखो जो प्रेशर है और जो विंड सिस्टम है कोई एरिया का किस पे डिपेंड करता है, तो बोला लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। तो प्रेशर और विंड सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। तो प्रेशर कहने पर वहाँ पे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, मैंने जो अभी तुम्हें समझाया टेम्परेचर के साथ जोड़ के, हाई टेम्परेचर जब होता है तो लो प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है तो हाई प्रेशर होता है, तो ऑपोजिट होता है यहाँ पे। तो ऐसे करके यहाँ पे याद रखना जो प्रेशर है और जो विंड सिस्टम है, यानी कहाँ से कहाँ किस और हवा बह रहा है किस पे डिपेंड करता है, तो लैटिट्यूड पे। लैटिट्यूड मतलब जो मैंने बोला इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, और एटीट्यूड कहने पर हाइट अबव सी लेवल, इस पे ये डिपेंड करता है। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। इसी वजह से इससे तापमान में अंतर देखने को मिलता है, और साथ में किसमें तो रेनफॉल पैटर्न, यानी कहाँ पे बारिश होती है या फिर वहाँ पे हो सकता है कहीं पे स्नोफॉल हो जाए, ये तुम्हें याद रखना है। द सी एग्जर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। अब देखो सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट है किस पे, क्लाइमेट पे, यानी कि अगर कोई एरिया सी के नज़दीक होगा तो ऐसे में वहाँ पे हमें मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पे जो तापमान होंगे ना उतना हाई होगा ना उतना लो होगा, इसको हम कहते हैं मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन क्या, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो यहाँ कोई एरिया में, एरिया के जो क्लाइमेट होता है उस पर उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, किसका, तो सी का। तो यहाँ पे देखिएगा तुमको एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, तो जितना दूरी बढ़ेगा कोई सी से, मतलब कोई एरिया का सी से दूरी बढ़ेगा, तो ऐसे में बोला गया है इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी, दैट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। तो याद रखो कोई एरिया से जब हम जितना दूर बढ़ेंगे, यानी कि मतलब कोई सी ले लेते हैं एरिया, यहाँ इंडिया का ले लेते हैं, हमारा क्या बना है, ले लेते हैं साउदर्न पोर्शन, हम यहाँ पे बना रहे हैं इंडिया का। तो ऐसे में यहाँ पे तुम्हें दिखेगा इंडियन ओशन, यहाँ पे क्या है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बी लिख दिया हूँ मैं, और यहाँ पर अरेबियन सी के लिए ए एस लिख दिया हूँ। तो ऐसे में ये जो एरिया है जो कोस्ट एरिया में पड़ेंगे वहाँ पे हमें क्या दिखेंगे, हमें वहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी की वजह से वहाँ पे जो क्लाइमेट होगा, जो टेम्परेचर वगैरह होंगे वो उतना हाई उतना लो हमें देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई एरिया, मान लो हम यहाँ पे अंदर की ओर चले गए, यहाँ पे मध्य प्रदेश की ओर चले गए, तो ऐसे में ये जो सी से दूरी होने की वजह से वहाँ पे हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी कि जो समर का सीजन होगा बहुत ज़्यादा गर्म, और विंटर के सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडा हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है। तो कॉन्टिनेंटलिटी में क्या समझना है, तो कोई एरिया जितना दूर होगा इससे सी से उतना ज़्यादा टेम्परेचर में हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने, एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, इसलिए समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे समझना होगा। आगे बुक बता रहा है ओशन करेंट्स अलोंग विथ ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। तो ऑनशोर विंड्स के साथ बोला ओशन करेंट्स, ओशन करेंट्स कहने पर ओशन में क्या वार्म करेंट्स बह रहे हैं, यानी कि जो पानी है क्या वो ठंडा है या फिर वो गर्म है, तो याद रखना है। तो ये वार्म करेंट्स हो सकते हैं, कोल्ड करेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे ओशन करेंट्स का भी महत्वपूर्ण भूमिका है ऑनशोर विंड्स के साथ। ऑनशोर विंड्स मतलब जो हवा बह के आएगा कहाँ से, तो सोर मतलब ये पानी से बह के सोर की ओर, किनारे की ओर जो हवा आएंगी उसका भी यहाँ पे भूमिका देखने को मिलेगा। मान लो अगर किनारे में ठंडा पानी बह रहा है, तो ठंडा पानी बह रहा है तो जो हवा आएंगे वो भी क्या होंगे, ठंडा ही होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करेंट्स फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कोल्ड इफ द विंड्स आर ऑनशोर। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे किनारे में वार्म करेंट्स बहेंगे, तो ऐसे में जो हवाएं यहाँ से यानी कि समुद्र से होते हुए जमीन की ओर जाएंगे तो वो भी गर्म ही होंगे और एरिया को थोड़ा गर्म ही कर देंगे।